हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। तो आज है हमारा 27th वीडियो नेट के क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक MHRD की स्कीम से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन है, नीट इज़ एन MHRD स्कीम, राइट? सो बेसिकली इट एम्स एट, ऑप्शंस जो फोर हैं जो गिवन हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, सेकेंड इज फैसिलिटेटिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, थर्ड इज बेटर फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज प्रमोटिंग स्वच्छ कैंपसेस अंडर स्वच्छ भारत अभियान। तो यस, देखिए स्कीम है MHRD से रिलेटेड, तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप अगर थोड़ा सा सोचें तो यू कैन एलिमिनेट देम, राइट? जैसे ये जो ऑप्शन है दैट इज स्वच्छ कैंपस, सो ये नीट है स्कीम, राइट? बट ये स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड ऑप्शन है मेडिकल एंट्रेंस, तो ये NEET नीट होता है, ठीक है? तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है, और सेकंड फोर्थ भी नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड बचे, ठीक है? तो आपको अगर नीट के बारे में थोड़ा भी पता हो, चैनल पे वीडियो अपलोड है, अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं अगर बहुत ही ब्रीफली बताऊँ, सो ये एक स्कीम तो है ही MHRD की तरफ से, जिसका मेन पर्पज़ यही है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेटर आउटकम्स लाएँ, एंड ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, राइट? सो फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो यस, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दैट इज़ बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, तो आउटकम्स अच्छे आए, बेटर लर्निंग आउटकम्स आए इन हायर एजुकेशन, और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ठीक है? और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है, राइट? और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला, एज आई टोल्ड यू कि वो NEET होता है, बेटर फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट पर्पज़ इस स्कीम का नहीं है, और जो स्वच्छ भारत कैंपस है तो नहीं, नाम है भले ही इसका नीट स्कीम, बट ये पर्पज़ या इसका फुल फॉर्म कुछ और है, स्वच्छ भारत से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। और स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि स्कीम्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब ये है सेकंड क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग थ्री एक्सप्रेशंस, तीन एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें कंसीडर करने को बोला गया है, ठीक है? तो आपको दिख ही रहे होंगे तीनों एक्सप्रेशंस, राइट? सो फर्स्ट इज 35 डिवाइडेड बाय 0.07, सेकंड या बी इज 2.5 डिवाइडेड बाय 0.0005, एंड थर्ड या सी इज 136.09 डिवाइडेड बाय 43.9। अब है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द सिंप्लीफाइड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, ठीक है? सिंप्लीफाइड वर्जन में लाना है, और उसके बाद इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा हमें इसको उसमें लगाना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं फोर, सबसे पहले बी ए सी, देन सी ए बी, थर्ड इज सी बी ए, एंड फोर्थ इज बी सी एंड ए, राइट? तो देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देख, जब खुद ही लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाइड हमें बस वैल्यूज़ को करना है, तो हम बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे 7 और 35 तो ऑब्वियसली डिवाइड हो ही जाएंगे, सो 35 डिवाइडेड बाई 0.07, सो बहुत ही सिंपल है। या तो आप डायरेक्टली 7 से इसे कट कर सक, मतलब 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, या फिर आप इस पहले इस डेसिमल को हटाकर इट विल बी देन 3500, इसे जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 500, राइट? तो फर्स्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी 500। सिमिलरली आप सेकंड वाले की वैल्यू की बात करते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0005, तो सिमिलरली अगर इसे भी किया जाए सो इसमें 30 ऐड हो जाएंगे, देन 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन इट विल बी 5 एंड 3 ज़ीरोज़, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड में हो जाएगा 5 and 3 zeros, राइट? तो अब एक चीज़ क्लियर है, देखिए हमें करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, डिसेंडिंग का मतलब पहले ज़्यादा होगा फिर कम होगा, तो पहले बी होगा और बाद में ए होगा, ये चीज़ क्लियर है, राइट? तो अब इम्पॉर्टेंट है थर्ड वाली वैल्यू, ठीक है? सी वाला जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा एक्सप्रेशन का वो क्या होगा। सो अब अगर हम इसको देखें, सो इट इज़ 136.09, राइट? उसे डिवाइड करना है 43.9 से, ठीक है? सो ये है, पहले हम एज़ यूजुअल डेसिमल को अगर रिमूव करें सो इट विल बी 4390, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा गेस वर्क आप कर सकते हैं, जैसे ये है जो एक्सप्रेशन या ये जो वैल्यू है वो है 4000 के आसपास, ठीक है? सो अगर आप 4000 से थोड़ा सा रिलेट करके देखें तो आपको पता है 4000 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 8000 होता है, 3 टाइम्स करेंगे तो होता है 12000। अब ये क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट?
तो इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 13,000 या 14,000 के आसपास होगी। तो इसलिए हम एक चीज़ तो मतलब डिवाइड हम बेसिकली करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि जो पहला वर्ड है वो क्या होगा। ठीक है, सो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सो देखिए, 3 हमने गेस किया बेसिकली, सो इट इज़ 4390। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो इट विल बी 0, देन 7 राइट, देन 11 1 एंड इट इज़ 13 राइट, सो इट विल बी 13170। ठीक है, और जो हमारा एक्सप्रेशन था वो है 13609। ठीक है, और जो हमारा अभी वैल्यू आया वो है 13170। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा या जो बचेगा वो क्या होगा, सो वो होगा 439। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगी कि 439 तो ऑब्वियसली इससे डिवाइड होगा ही। सो अब आपने देखा सबसे पहले था 3, अब अगर हम पॉइंट लगा दें, डेसिमल लगा दें, सो जो नंबर है वो 4390 हो जाएगा, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3.1 हो जाएगा बेसिकली। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, वो होगा 3.1। आपने इधर देखा कितना था, 500, और सेकेंड वाला था 5000। ठीक है, और थर्ड वाला है 3.1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है बी की, सो इट विल बी बी, उसके बाद है ए, और लास्ट में होगा हमारा सी। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यस, जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नेचर होगा आई थिंक। सो एक्शन रिसर्च इज साइक्लिंग इन नेचर सो फार एज इट इन्वॉल्व्स प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट साइकिल। एक्शन रिसर्च इज समवॉट साइक्लिक है नेचर में, क्योंकि बेसिकली जो फोर स्टेप्स हैं जो ये इन्वॉल्व करता है, तो वो है प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट साइकिल है बेसिकली। स्टेटमेंट सेकेंड सेज की द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कॉजल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। की पर्पज़ जो है एक्शन रिसर्च का वो है कि थ्योरी डेवलपमेंट। ठीक है, वो चाहता है थ्योरी डेवलप करना ताकि एक्सप्लेन कर सके जो वेरिएबल्स हैं उनमें एक रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, अब फोर ऑप्शंस हैं जैसा कि हमने हर वीडियो में ही देखा है। दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट ऑप्शन होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सेकंड ऑप्शन इज़ कि दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन इज़ फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट। अब स्टेटमेंट्स की बात हम करें अगर, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक्शन रिसर्च जो है बेसिकली उसमें जो साइकिल होती है वो इन्हीं चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, या चार ही प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स या फेजेस होते हैं, विच इज़ सबसे पहले है प्लान। चीज़ें हम प्लान करते हैं, कैसे हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है, कैसे हमें इंक्वायर करना है किसी चीज़ को, देन इट इज़ एक्ट राइट, हम उसके एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं, फिर हम उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं रुक कर कि जो हमने किया है राइट, हमने जो भी एक्शन लिया उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आउटकम क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑब्जर्व वाला फेज होता है। लास्ट में उसका रिफ्लेक्शन, ठीक है, हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब उसके बाद हम उस चीज़ को वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, और सिमिलरली ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर से हम अगेन प्लान करते हैं राइट, फिर से हम एक्शन लेते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं, फिर तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, एक्शन रिसर्च में यही होता है। ठीक है, और अगर ये सही है तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जो पर्पज़ है एक्शन रिसर्च का वो है थ्योरी को डेवलप करना। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक्शन रिसर्च नाम से आप समझ सकते हैं कि वो एक्शन लेने की बात है, इंक्वायर करना है हमें चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट करना है बार बार, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो थ्योरी डेवलपमेंट ये एक्शन रिसर्च का पर्पस बिल्कुल भी नहीं होता है, और एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, सो ये याद रखिएगा, एक साइकिल की तरह, ये एक साइकिल पे डिपेंड करता है, एक्शन रिसर्च ही बेसिकली है। सो जो साइकिल है उसमें फोर फेजेस आप कहिए या जो भी टर्म आप यूज़ करें, सो इट इज़ POR। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, ठीक है, कोई भी रिसर्च प्लान करते हैं, उसके बाद वो एक्शन लेते हैं, अकॉर्डिंगली क्या आउटकम है वो सारी चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगेन रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगा कि नहीं कोई और इशू भी है, ठीक है, हमें उसे भी सॉल्व करना है या उससे रिलेटेड और रिसर्च करनी है, तो फिर से वही रिसर्च स्टार्ट होती है, फिर से ये प्रोसेस होता है स्टार्ट, दैट इज़ हम रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर से प्लान करते हैं कि हमें ये ऐसे करना है, क्या करना है, कैसे, देन हम एक्शन लेते हैं, अगेन ऑब्जर्व एंड अगेन रिफ्लेक्ट। तो यस, ये एक साइकिल है, और एक्शन रिसर्च इसीलिए साइक्लिक कहा जाता है बाय नेचर, और पर्पज़ इसका थ्योरी
डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है या सोल्यूशन फाइंड करना, ये सारी चीज़ें पर्पज़ है। तो यस, इस के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही होगी, तो स्टेट और सेकंड गलत। सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं अपना से फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि अंडर MDG 5 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 के अंडर जो MMR है, दैट इज़ मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट, वो बिटवीन 1990 एंड 2015 वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय, बेसिकली MDGs हैं आपको पता है, तो उसमें फिफ्थ गोल है कि हमें MMR को रिड्यूस करना है 2015 तक, तो कितने परसेंट से हमें रिड्यूस करना है इन कंपैरिजन टू 1990, यही क्वेश्चन है। सो आप देख रहे हैं कि इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो MDGs या SDGs से ऊपर ऊपर से ही सिर्फ नहीं आए हैं, बहुत अच्छे से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसलिए अगर आपका जून में पेपर है, आप देने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों, इन सभी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। सो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फोर ऑप्शंस गिवन हैं, फर्स्ट इज़ 50%, देन 75%, सी इज 66% एंड डी इज 40%। तो ये तो अब ऑब्वियसली आप गेस नहीं कर सकते, आपको पता होगा आप तभी बता सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, दैट इज जो रिड्यूस करना था रेशियो, वो प्लान था कि हम 75% तक करेंगे, दैट इज़ जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, बी है, वो हमारा आंसर होगा। सॉरी, वैसे ABCD नहीं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होना चाहिए या यहाँ बी, ठीक है। बेसिकली आंसर विल बी 75%, राइट। सो अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग, एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। ए इज़ अमेनेबल टू एम्पेरिकल वेरीफिकेशन, एम्पेरिकल वेरीफिकेशन हो सके। बी इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डिफाइनिंग द वेरिएबल्स डिफाइन करने में जो क्लैरिटी है वो रहे, कंसेप्चुअली क्लियर रहे इस चीज़ें। सी इज़ प्लॉजिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स पोस्टुलेटेड, जो भी रिलेशनशिप हम पोस्टुलेट कर रहे हैं वो रीजनेबल हो, ठीक है। डी इज़ एसेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर्स रिसोर्सेज, रिसर्चर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके टर्म्स में एसेसिबल होना चाहिए। ई इज़ एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रिफ्यूटेबिलिटी, बेसिकली नॉन रिफ्यूटेबल हो, राइट। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वी हैव टू चूज बिटवीन दीज फोर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज बी सी एंड डी ओनली, सेकंड इज ए बी एंड डी ओनली, थर्ड इज सी डी एंड ई ओनली, एंड फोर्थ इज ए बी एंड सी ओनली। सो अब अगर हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं, सो देखिए अगर हम फिर से ए बी सी डी ई की बात करें, तो देखिए एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस कौन सी होगी, ये है क्वेश्चन। तो अब इन पांचों ऑप्शंस की बात करें, सो ये जो हम रिसर्चर्स रिसोर्सेज की बात थी, तो हाइपोथेसिस हमारी अच्छी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होंगी, उसमें रिसर्चर के रिसोर्सेज से स्पेसिफिकली कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अच्छी हाइपोथेसिस का जो रिलेशन होता है वो रिसोर्सेज कितने उसके एसेसिबल हैं या नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। और जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन ए वाला जो है कि एम्पेरिकल वेरिफिकेशन हो सके, ऑब्वियसली एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस तभी तो होगी अगर हम उसे एम्पेरिकली वेरिफिकेशन ना कर सके, वेरीफाई ना कर सके, तो कैसे, तो वो प्रूफ कैसे होगी, हम उसे कैसे चेक करेंगे, राइट। उसके बाद जो है सेकेंड ऑप्शन की क्लैरिटी हो वेरिएबल्स में, ऑब्वियसली जो भी वेरिएबल्स हम डिसाइड कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, अपनी हाइपोथेसिस अपनी पोस्ट कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट है हमारी, तो बेसिकली जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। और सी जो है कि रिलेशनशिप्स रीजनेबल हो, तो ऑब्वियसली जो भी रिलेशनशिप हम ले रहे हैं हाइपोथेसिस में, रिसर्च में, ठीक है, वेरिएबल्स में, तो वो थोड़ी रीजनेबल हो, ऐसी कोई हाइपोथेसिस या ऐसी कोई रिलेशनशिप हम ना एज्यूम करें जो कि रीजनेबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ। और डी वाला मैंने बोला कि रिसर्चर के जो रिसोर्सेज हैं वो इस वे में कि हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आते हैं, और सिमिलरली नॉन रिफ्यूटेबल हो, तो कितनी एक्सटेंट तक, तो ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता गुड रिसर्च हाइपोथेसिस के, राइट। तो इसलिए, और वैसे भी आप जब ऑप्शंस देखें तो इसमें तीन ही कोई स्टेटमेंट सही हैं, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं, जो अगर ए बी सी सही है तो डी और ई तो गलत होगी ये, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा येस ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो येस आंसर है ऑप्शन नंबर 4, और ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।